पंजाब में जीते बराबर, वहां भी आतंकवादी बोला फिर भी जीत गए, पंजाब में बोला खालिस्तानी फिर भी जीत गए, अभी गुजरात में बहुत दंगे करवाए, सबको पता है 2002 में दंगे करवा के ही जीते। अच्छा, पब्लिक शौचालय करने जाती 5 रुपए लाओ, 1 रुपए में शौचालय करने जाती है 5 रुपए देना पड़ रहा। अच्छा, आज तक तो पब्लिक आते 15 लाख रुपए आया नहीं, काला धन आया नहीं, विजय माल्य को भगाने में मोदी साहब का अमित शाह का हाथ है। 2002 में गोधरा कांड करवाया, गोधरा कांड में अमित शाह मोदी का हाथ था। इसी एरिया का मैं बता, आज से 15 साल पहले पानी भरा था, 3-3 महीने तक रात रोड बने हो, अरे काले बने हो यार, पानी 3-3 महीने तक पानी भरा रहता था, और मतलब 15 दिन भी अगर बारिश आ जाए तो 2 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। इससे कब बनाए, कब बनाए, रातों रात हमें खबर पड़ी कि हमारी चोरी बताइए दे, बड़े अंधभक्त है। 6 महीने में शादी करके बच्चे को देते, 6 महीने बच्चा पैदा करके लड़के दे देते, तो मोदी साहब का नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ खुल के मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। आज से मोदी 50 साल 75 साल देश को आजाद हो गए, तो मोदी बचा रहे हैं। अमित शाह के लड़कों को पढ़ने नहीं आता, 8वीं फेल है, BCIC का अध्यक्ष मैंने कभी बेल्ट पकड़ा है, कभी क्रिकेट खेलने बेल्ट पकड़ा है, कि एक ओवर में कितने बॉल होते हैं। अच्छा, उनको मोदी साहब बोलते हैं मैं भाई की साड़ी की दुकान है, जिसका भाई PM है साड़ी की दुकान चलाएगा। कुछ लोग हैं, एक दो युवा ऑरेंज से ही बात करेंगे, क्या नाम है आपका? 1 मिनट, क्या नाम है? कृणाल मकवाना। अच्छा मकवाना जी, तो क्या हाल चाल है इस बार गुजरात के, कैसा है गुजरात? 27 सालों में जो कहा जाता है कि बहुत आगे बढ़ा दिया गया देश को मोदी राज में, ऐसा हुआ? आगे बढ़ने में ऐसा है कि बोलते है पर दिखता नहीं है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि हेलो हमने 5 करोड़ गैस के सिलेंडर दे दिए, पर उनके भाव थे 400 रुपए, अभी हो गए 1200 रुपए। अच्छा, तो क्या करने का, भराएंगे कैसे? 400 रुपए थे तब तो 100 रुपए में दे दिया, अब कैसे भरवाएंगे? गरीब लोग फ्री तो दे दिया लेकिन गैस तो फ्री नहीं है, गैस तो फ्री नहीं है, वो तो 1200 रुपए हो गए, वो कैसे होगा? अभी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो बोला वो सब किया है, पंजाब में अभी सरकार बनी, भगवत मान जी है अभी वहाँ पे, तो उन्होंने भी जो भी कहा था वो भी चालू हो गया है, यूनिट जो बोले थे 300 यूनिट वो भी फ्री दे दिए। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा गया था, इस चुनाव में मुसलमान बोलना कह रहा है हिंदू धर्म के दुश्मन है, तो फिर कैसे भरोसा करेंगे हिंदू पर? हिंदुओं को तो हर बार बहकाया जाता है। अच्छा, हाँ हर बार बोले जाते, पंजाब में जीते बराबर, वहाँ भी आतंकवादी बोला फिर भी जीत गए, पंजाब में बोला खालिस्तानी फिर भी जीत गए, अभी गुजरात में बहुत दंगे करवाए, सबको पता है 2002 में दंगे करवा के ही जीते है। अच्छा, बराबर, गुजराती हो तब भी ये बात बोल रहे हो? बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हम गरीब इंसान है, घर अपने पापा मजूरी करते, हमको पता है कैसे पेट भरते है सब अपने घर का, हिंदू मुस्लिम करके क्या मुसलमान को काटेगा, मुसलमान हिंदू को काटेगा, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। उनको चाहिए वोट, उनको वोट मिल जाएगा लेकिन बाकी कुछ नहीं मिलेगा। धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति से हम दूर रहना चाहते हैं। जो बच्चों के भविष्य की बात करेगा, शिक्षण की बात करेगा, रोजगार की आरोग्य की बात करेगा, उनके साथ जनता खड़ी रहेगी। अच्छा, तो केजरीवाल इस बार झाड़ू चल रही है? चल रही है, झाड़ू चला रहे हैं जी, आप बताइए क्या चला रहे हैं? सही चल रहा है, जो झाड़ू चल रहा है। अच्छा, सही चल रहा है, सही चल रहा है, देख के हाँ मैं मिला रहा हूँ। 110 सीट फाइनल है केजरीवाल गुजरात के अंदर, आपने तो आंकड़ा भी दे दिया। हाँ दे दिया, फाइनल है। कैसे? गौ रक्षा के नाम पे वोट मांगते हैं, गायों की हत्या करवा रहे हैं। अच्छा, बोलते गौ रक्षा के नाम पे वोट दो, कितने गौ खाने में गाय भूखे मर रही है, जिसको खाने को चारा दिए कुछ नहीं है। अब पुलिस ये बोलते है की हम 15 लाख रुपए देंगे, आज तक तो पब्लिक आते हैं 15 लाख रुपए आया नहीं, काला धन आया नहीं, विजय माल्य को भगाने में मोदी साहब का अमित शाह का हाथ है। 2002 में गोधरा कांड करवाया, गोधरा कांड में अमित शाह मोदी का हाथ था। ठीक है, पब्लिक को बोलते हम इतना धन वापिस लाएंगे पूछो मत, जो 200 से 400 रुपए सिलेंडर था 1100 से 1200 रुपए सिलेंडर हो गया, गैस का भाव इतना बढ़ गया, हमको तो ये सरकार चाहिए महंगाई देश हित में, देश आगे नहीं बढ़ेगा महंगाई नहीं होगी तो कौन? केजरीवाल ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार को इतना पैसा पड़ा है, सरकार उसको उपयोग नहीं कर रही है। तो ये सरकार बीजेपी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। आज केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, पंजाब में चला रहे हैं। अब पहली बात तो ये है कि जैसे कि बिहार में उन्होंने सरकार गठबंधन करके चलाया, क्यों? अगर चलना चाहिए तो 5 साल पूरा निकाल लेते हैं, क्यों नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया? दिल्ली बॉम्बे में सरकार पूरे विधायक को रातों रात झुंडे करवा लिया। अच्छा, और रातों रात सरकार बना लिया। इनका काम है विधायकों को 15-15, 20-20 करोड़ रुपए देके खरीद लेना, बाद में सरकार बना लेना, बाद में जनता को दिखाना पैसा है नहीं। अच्छा, कोरोना में इतना फंड आया, एक भी गरीब को बोलते फंड दिया है? अच्छा, बोलते 10 किलो चावल देंगे, 20 किलो अनाज देंगे, किसी को दिया है?
नहीं मिला यहाँ किसी उसी को नहीं मिला है। राशन कार्ड कितने बंद पड़े बताओ। लेकिन सरकार भाजपा के जो बीजेपी समर्थक है वो कहते हैं अगर मोदी जी नहीं होते इस देश में तो कोरोना में पूरा देश खत्म हो जाता। मोदी जी ने बचा लिया। आज से मोदी 50 साल 75 साल देश को आजाद हो गए तो मोदी बचा रहे हैं। अमित शाह के लड़कों को पढ़ने नहीं आता, 8वीं फेल है। बीसीसीआई के अध्यक्ष ने कभी बेल्ट पकड़ा है? कभी क्रिकेट ने बेल्ट पकड़ा है? एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? अच्छा, उनको मोदी साहब बोलते हैं मैं भाई की साड़ी की दुकान है, जिसका भाई पीएम है साड़ी की दुकान चलाएगा। देश का एक कॉन्स्टेबल होता है पूरे खंडाल में बोर्ड मार के घूमता है, मेरा भाई पुलिस में, जिसका भाई पीएम है साड़ी की दुकान चलाएगा। अच्छा, आजकल तो उनके भाई भी नाराज है उनसे। कौन? कोई नाराज नहीं, दिखाने का काम है। अच्छा, 500 का नोट पकड़ा के माँ बाप को लाइन में लगाते हैं। और गुस्सा है युवाओं का, गुस्सा है। और बात सुनो, और नोटबंदी करवाया, मुकेश अंबानी को रात रोज जियो पूरा काले धन व्हाइट करवा दिया, पहले फ्री में दिया, अब बोलते 399 रिचार्ज कराओ तो पैसा को पब्लिक का झाट में कहां से लाके देगी? पब्लिक शौचालय करने जाती 5 रुपए लाओ, 1 रुपए में शौचालय करने जाती 5 रुपए देना पड़ रहा। अच्छा, मैं खाने के लिए भाना है 7,000 फैक्ट्रिया बंद करवा दी। अभी हवा फिर, लेकिन पूरा हवा पीरा मोदी साहब झाड़ू मार के जाएंगे यूं और वापिस चाय की दुकान में प्रामिस फेंकेंगे। अच्छा, हाँ, ये फाइनल। अमित शाह वापिस जाएंगे, सीबीआई जांच होगी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई जांच कराई तो क्या मिला उनको? अगर हमारे केजरीवाल गंदा होता तो 9 दिन के पूछताछ में कस्टडी में होता, छूट के गुजरात में रैली करने नहीं आते। अमित शाह के ऊपर सीबीआई जांच कराओ, मोदी के ऊपर करो, जय शाह के ऊपर करो। अमित शाह ने अपने भाई को बीसीआई में बना दिया, ठीक है, हाँ, बेटे को ही बना दिया, उनके भाई को भी कोई पद दे दिया। अच्छा, हाँ, इसके खानदान में बड़े बड़े गृह मंत्री है, तुमको लगता है कि सरकार बिक गई है? पूरा प्राइवेट खाता प्राइवेट को दे दिया है। बीजेपी तो मोदी जी खुद कहते हैं हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता। कौन? वो तो दिखावा है। विधानसभा में थे यहाँ तब तक सरकार चलाई, बोले शादी नहीं हुई है, अब बनारस में चुनाव लड़ने गए, बोलता मेरी बीबी है, तो 2 साल बीबी शादी करते क्या बच्चे नहीं होंगे? अच्छा, 6 महीने शादी करके बच्चे को देते, 6 महीने बच्चा पैदा करके लड़के दे देते, तो मोदी साहब का नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, खुल के मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। लेकिन मोदी जी ने वो तो है, खैर वो अपने वो कहते हैं मैंने त्याग दिया सारा कुछ अपने देश के लिए। योगी जी ने त्याग दिया है? योगी जी ने त्याग दिया है? क्या योगी में गुंडा राज खत्म हो गया है? खत्म हो गया? वो तो क्या एक समाज है, क्या जाति बात चल रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करा रहे कि आपस में कटो आपस में मरो, मेरे को वोट तो मेरे को मिलने वाला है। अच्छा, इस बार इस मुद्दे पे डले ना वोट? कौन? इस मुद्दे पे एक बार एक भी वोट नहीं चलेगा। इस मुद्दे पे सिर्फ रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पे वोट चलेगा। दिल्ली में जो एक मंत्री आम आदमी पार्टी के है, उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया, उस पर हल्ला उतार रहे हैं बीजेपी वाले, ये हिंदुओं के दुश्मन है केजरीवाल। बीच में आपने देखा होगा गुजरात के अंदर केजरीवाल का पोस्टर लगाया था, मोमेडियन का फोटो लगा था। ऐसा कोई जातिवादी केजरीवाल के अंदर है ही नहीं कि मैं मोमेडियन हूँ, मेरे को हिंदू का सपोर्ट नहीं चाहिए। वो सबको आप एक सर का मान के चल रहे, हिंदू हो या गुजराती हो या कोई भी, वो सिर्फ एक पब्लिक को भड़काने का काम कर रही है भाजपा सरकार। 27 साल से फिर आप लोगों ने कैसे मुकाबला? 27 साल पब्लिक ने उनको बोला कुछ अच्छा होगा, पर पब्लिक क्या बोलते? 27 साल का दाल चावल खा के कंटाल गई, अब सारी सब्जी खाने की ताकत मॉडल कौन सा है वो जिस गुजरात मॉडल पे आपके सामने? गुजरात मॉडल एक नदी उस पर जाके रिबन भर में नाव डुलाओगे तो गुजरात मॉडल थोड़ी कराएगा। यहाँ के गटर में पानी बहता है बारिश में, वो देखिए। अच्छा, बड़ा बड़ा जो मीडिया हाउस है वो रिवर फ्रंट दिखा रहा है। मोदी साहब ने कभी चीन के प्रधानमंत्री को आसारवा मैम को भार्गव मेघानी नगर यहाँ कभी लेके आया तो मालूम चले विकास क्या किया है? तो गांधीनगर आए तो थे, ट्रंप आए थे गांधीनगर। गांधीनगर जब आते जब सफाई क्रम से झाड़ू लेके चल पड़ते हैं। अच्छा, उस दिन तो पूरा बंदोबस्त होता। हमारे मनीष सिसोदिया साहब कितनी पुलिस प्रोटेक्शन मिला? कोई पुलिस प्रोटेक्शन था? कोई बॉडीगार्ड था? वो कल आएंगे, मोदी साहब कल आ रहे, कल से सुरक्षा चालू हो गई है। 1 करोड़ खर्चा करें, कल पेट्रोल का भाव 2 रुपए बढ़ जाएगा। अच्छा, 1 रुपया कम नहीं होगा, 2 रुपया बढ़ जाएगा। अपना रैली का खर्चा निकाल लेते हैं तो निकालती है सरकार, का काम ही क्या निकालना, तो काम है उनका निकालना। मेट्रो और वंदे मातरम ट्रेन चालू किया 13 तारीख को, 30 तारीख को चालू किया, 1 तारीख को तो भैंस आकर टूट गई। अच्छा, दूसरी बार उड़ गया। साल में 2 सिलेंडर फ्री देने की बात करिए। वो पैसे वालों को मिलने वाला है, और मकान मिलेगा कौन? गरीबों के लिए नहीं मिला। गरीब को बीच में दिया था लोन पास कराओ, तो उस बैंक में जाओ लोन पास कराने वाले पान कार्ड लाओ, ये नहीं है वो नहीं है, किसी विधवा की पेंशन भी नहीं मिलनी। यहाँ तो भाई किसी विधवा को पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही। गलत बात है, मिलती है पेंशन वगैरह? मिलती है भाई, बोल रहा है मिलती है। गली में आ जाओ, अमरा जी नगर में 4-5 रुपए बता दो। जाइए धक्के पोस्ट ऑफिस में जाने का, पैसे लेके आने का, इसमें क्या धक्का खाने का? कैसे मतलब आपने क्या करा था? प्रोसेसिंग ने बता दीजिए, अगर इनको ना पता हो ये पोस्ट ऑफिस में कहीं पे कोई विधवा है नहीं है। हमारे गली के अंदर 4-5 जने है, वो विधवा है, उनके साथ में एक तो रसी मासी नाम बता दूं भाई, मैं उसके साथ जाता हूँ, एक दो बार गया हूँ पोस्ट ऑफिस में जाने का।
कितना ज्यादा उसकी उम्र भी 60 साल हो गई, 20 साल ले ही रही है, वो विधवा था जब उसके बच्चे 10 साल तभी वो विधवा हो गई। मिल जाती है, चलिए मिल जाती है, हो सकता है किसी को मिल रही हो, किसी को ना मिल हो रहे हैं। और क्या बढ़िया काम काज रहा है मोदी सरकार के, काम रहे कुछ बढ़िया? काम खराब क्या है बताना, ये बोल रहे हैं कि रोड वोड खराब है। इसी एरिया का मैं बता, आज से 15 साल पहले पानी भरा था, 3-3 महीने तक रात रोड बनी हो, अरे काले बनी हो यार, पानी 3-3 महीने तक पानी भरा रहता था, आज मतलब 15 दिन भी अगर बारिश आ जाए तो 2 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। इससे कब बनाए रातों रात हमने खबर पड़ी की हमारी चोर है, बताइए उनकी अपनी इच्छा है, इनका कोई भक्त नहीं, क्या इनको कुछ बहुत इनको भक्त नजर आ रहे हैं रोजो। भाई 20 लाख करोड़ का जो बजट कोरोना में दिया था, 1 रुपया भी किसी के खाते में आ गया? मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट मेरा सवाल बोलो, चौमासा में बोल सकता हूँ, मैं पानी कितना भरा था कि नहीं भरा था, तुम्हें लोगों चौमासा में आवानू खाली बारिश में क्या बोलते हैं मौसम में, ये पूरा चमन पूरा चले गए, उभरा था उभरा था, ये पूरा बोल रहे थे 15 साल हो गए रोड बने हुए, कल रात को बनाया, नहीं बनाया, कल रात को बनाया है, 2 दिन में अभी बनाया है, हाँ 2 दिन में ही बनाया है। 20 लाख करोड़ का जो बजट पास किया कोरोना में, किसी के खाते में आया भी आपके खाते में कुछ? अरे चोर घर में साहब, वो पैसा कहाँ गया? रातों रात दर हो गया, 20 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? अरे नोटबंदी करवाई थी ना, उसके अगले दिन की रिपोर्ट, जो नोटबंदी करवाई थी उससे पहले अहमदाबाद का वो अमित शाह यहाँ का तड़ी पर, उसने 700 करोड़ रुपए का पहले डाल दिए थे अगले दिन। ये लोगों में क्या बनवा रहा है, किस प्रकार किसकी सरकार नहीं बोल रहा है, किसकी सरकार बनवा रहा है, जल्दी बता दीजिए किसकी सरकार बनवा रहा है, चाय वाले को पूछो, नहीं वो बता नहीं रहा है, एक दो लोगों से बने, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? मेरा नाम शुक्ला उज्जवल है। अच्छा, वोट आया आपका? नहीं। कितनी उम्र है? 19 साल है, मतलब पहला वोट डालोगे? अभी पहला वोट। पहला वोट बड़ा कीमती होता है, बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि भाई वोट डालने जाऊंगा, आपका अधिकार है। तो युवा किस मुद्दों पे वोट डालोगे आप, क्या देख के वोट डालोगे? केजरीवाल को ही डालेंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई अच्छी कर दी, लिखाई अच्छी कर दी, सब स्कूल अच्छे बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तो मतलब केजरीवाल जो है वो युवाओं की एक शान है, जो सबको जॉब दे सकते हैं। अभी बीजेपी सरकार में जो भी सरकारी जॉब है सब कॉन्ट्रैक्ट में चली गई है, तो सब ऐसे ही रखड़ रहे, तो मेरे ख्याल से सरकारी जॉब होनी चाहिए, सरकारी जॉब्स होनी चाहिए, सरकारी जॉब्स नहीं है, मोदी जी तो मना करते हैं, सरकारी सब कुछ खत्म कर देंगे हम, 4 सेक्टर छोड़ेंगे, हाँ, बाकी सब। इतना पूरा देश को उसने बेच दिया, आर्मी को भी बेच दिया है, आर्मी को भी बेच दिया, हाँ 10-30 हजार में उनकी तुलना कर रहे, एक देश का जवान अपने देश के लिए जान देता है, उसकी तुलना 10-12 लाख और 4 लाख उसकी तुलना पैसों में हो ही नहीं सकती, उसकी तुलना पैसों में हो ही नहीं सकती, उन लोगों को पैसों में ही तोल दिया आर्मी को। अच्छा। देखो 4 साल के लिए कौन मरने जाएगा, जो अग्निवीर वाला स्कीम, हाँ अग्निवीर का बहुत ही गलत स्कीम है, जो बंदे सब बहुत परेशान है उससे, मैं मोदी जी से यही उम्मीद रखता हूँ कि अग्निवीर अग्नि स्कीम को वापस ले ले। केजरीवाल जी क्यों पसंद है? केजरीवाल ने उनका काम बोलता है ना, दिल्ली में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक किया है, बच्चे सभी को अच्छी शिक्षा दी है, सरकारी जॉबें दी है, इसके लिए हमें केजरीवाल पसंद है, इस बार आना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा ऐसा होता है कि पढ़ाई करना चाहता है पर उसके पास पैसे नहीं होते, जैसे ये बिजली में ज़्यादा चले जाते हैं, गैस के जाते, उसमें गैस के पैसे बच जाए और बिजली के बच जाए तो वो अपनी किताबें ले सकता है और पढ़ाई कर सकता है, इसके लिए हमें केजरीवाल ही चाहिए इस बार।